तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ना हम लोग, वर्क विद फाइल और फोल्डर। मतलब इसमें हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि फाइल फोल्डर कैसे बनता है, या फाइल या फोल्डर में फाइल कैसे सेव होता है, एक फाइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे मूव करा सकते हैं। मतलब कि एक आपको अगर पेन ड्राइव में लेना है या किसी और लोकेशन पे फाइल को सेव करना या फोल्डर को सेव करना, तो कैसे मूव करा सकते हैं, इन चीजों के बारे में आज डिस्कशन होना है। तो फाइल के बारे में आपको बताए थे कि मतलब बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को भी मालूम है, वर्ड का फाइल है, डिजिटल फोटोज का फाइल है, म्यूजिक का फाइल है, वीडियो का फाइल है, और फाइल यूजुअली रिप्रेजेंट बाय आईकॉन। फाइल को आईकॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिस्कस हम कल भी किए थे कि आईकॉन देख के हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा फाइल है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये पिक्चर फाइल है, ये म्यूजिक फाइल है, ये वीडियो फाइल है। मतलब इस तरह से इसको हम देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा फाइल है, उसके रूप रंग को देख के। अब बात आती है फोल्डर के बारे में। फोल्डर क्या है? तो विंडो वैसे बताए कि मतलब फाइल को, फोल्डर जो है वो फाइल को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। जितने भी फाइल हैं आप उसको फोल्डर में रख सकते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, आप फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं, कोई भी फाइल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और उसमें उसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग तरह का फोल्डर रखा हुआ और इसके अंदर अलग अलग तरह के फाइल हैं। जस्ट लाइक ऑर्गेनाइज करने का एक जगह जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी आप लोग के सामने डिस्कस कर बताए भी आप लोग को कि विंडो फाइल और फोल्डर को खुद ऑर्गेनाइज करता है। मतलब विंडो कैसे ऑर्गेनाइज करता है, तो हम बताए कि विंडो के पास अलग अलग तरह के फोल्डर हैं जिसपे वो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल को ऑर्गेनाइज करता है। विंडो के पास ऑलरेडी प्री लोडेड, जिसको हम लोग नहीं बनाते, ये फोल्डर जो है ये ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ बने हुए आते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट फोल्डर है, पिक्चर फोल्डर है, म्यूजिक फोल्डर है, वीडियो फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर है। ये जो फोल्डर है ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डर कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी प्री लोडेड आते हैं, ये प्री लोडेड आते हैं कंप्यूटर के साथ। इसको हम लोग मतलब अब इनको एक बार देख लें कि आपको कई बार इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में वैसे फाइल जाते हैं जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड, जैसे वो वर्ड की फाइल हो या एक्सेल की फाइल हो या प्रेजेंटेशन की फाइल हो, कोई भी फाइल वो बाय डिफॉल्ट जाके सेव होगा डॉक्यूमेंट्स में। पिक्चर फोल्डर में पिक्चर्स फाइल सेव होते हैं, आप कोई भी स्कैन कीजिए या फिर डाउनलोड कीजिए, वो बाय डिफॉल्ट जाके सेव होगा। मतलब कि आप पिक्चर फोल्डर में, आप कोई भी मतलब पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर में अगर पिक्चर मोड में डाल रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जाके पिक्चर में सेव होता है, पिक्चर फोल्डर में। म्यूजिक फोल्डर भी वही है, इसमें और जितना भी म्यूजिक रिलेटेड फाइल है वो सारे सेव होते हैं। ये फोल्डर ऑलरेडी, इन फोल्डर को हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये फोल्डर ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ, विंडो के साथ प्री लोडेड आते हैं। मतलब पहले से कंप्यूटर के ये विंडो के साथ ऑलरेडी ये है। फिर डाउनलोड्स, जितना भी हम लोग डाउनलोड करते हैं, मतलब इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड होता है इंटरनेट के थ्रू, वो बाय डिफॉल्ट जाके डाउनलोड्स में ही सेव होता है, वो डाउनलोड में ही सेव होता है। अगर हम कोई फाइल डाउनलोड की और हमको ढूंढना है तो हम जाए डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, तभी वो जाके हमको वहां से हमको मिलेगा। अब इन फोल्डर की बात तो हम कर ली, अब इन फोल्डर को देखते हैं ये फोल्डर है कहाँ, इन फोल्डर को देखते हैं कि ये फोल्डर है कहाँ। तो इसको देखते हैं हम लोग एक बार कि कहाँ कहाँ हम लोग इतने सारे फोल्डर के बारे में बात किए, सारा है कहाँ, तो इसको देखते हैं एक बार। चलिए इसको देखिए, ये हम लोग यहाँ से खोलेंगे, ये देखिए हम लोगों ने खोला डिस पीसी, खोला यहाँ से देखिए, सारा फोल्डर ऑलरेडी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, म्यूजिक फोल्डर के बारे, ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के बारे में, डाउनलोड के बारे में, वीडियो के बारे में, पिक्चर्स के बारे में, ऑलरेडी ये फोल्डर्स कंप्यूटर में हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, ये सारा ऑलरेडी पहले से है।
ये फोल्डर हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये पहले से है। ये सारा कहाँ मिला? जब हम लोग यहाँ से दिस पीसी से गए, ये सारा फोल्डर आपको यहाँ पे दिखेगा, ये कहाँ पे है। यहाँ से भी जा सकते थे फाइल एक्सप्लोरर से, ये ऑप्शन। यहाँ से भी जाएंगे तो यहाँ से भी आपको दिखेगा। अब हम लोग आते हैं फिर अपने नेक्स्ट, मेरा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइल एक्सप्लोरर क्या है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइल एक्सप्लोरर क्या है, विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर क्या है, ये हम लोग बात कर रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। फाइल एक्सप्लोरर जो भी, यू कैन व्यू एंड ऑर्गेनाइज फाइल फोल्डर यूजिंग ए बिल्ट इन एप्लीकेशन नोन एज फाइल एक्सप्लोरर। ये क्या, इसके बारे में बता रहा है कि हम लोग फाइल को जो ऑर्गेनाइज होके यू हम लोग जो देखते हैं, जो फाइल ऑर्गेनाइज होके रखा जाता है वो दिखाई देता है फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर के जरिए हम देख सकते हैं कि कहाँ किस, मतलब सारा फोल्डर और फाइल यहाँ से दिखेगा। और इसी फाइल एक्सप्लोरर को विंडो 7 के पहले इसको विंडो एक्सप्लोरर बोला जाता था, अब इसका नाम हो गया फाइल एक्सप्लोरर। तो इसको देखिए, ये कहाँ से, ये देखिए आपका ये आइकॉन है ना, ये देखिए ये आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है। यस मैम। हाँ, ये फाइल एक्सप्लोरर बटन है, इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देख लीजिए आपके पास जितना भी फाइल है, ये देखिए यहाँ लिखा फाइल, यहाँ जितना भी फाइल आपको दिखेगा, जहां से भी आपको फाइल लोकेशन ढूंढना है, कहीं का भी फाइल, डेस्कटॉप का फाइल, उसके बाद यहाँ से सब कुछ, अगर हम सब कुछ खोल सकते हैं यहाँ से, डेस्कटॉप खोल सकते हैं या हम लोग डाउनलोड्स में जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, कुछ भी दिस पीसी में जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाइल को एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोर मतलब उसको विस्तारित करके वहां से देख सकते हैं कि कहाँ ये सारा ऑर्गेनाइज, मतलब यहाँ पे सारे फाइल ऑर्गेनाइज होके दिखते हैं हमको कि कहाँ का, मतलब किस किस लोकेशन पे फाइल सेव है, किस किस लोकेशन पे फोल्डर सेव है, ये सारा लोकेशन यहाँ से पता चलेगा कि कौन कौन सा लोकेशन है हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे फाइल और फोल्डर को हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ इसके लिए बस यहाँ से जाइएगा, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपका फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ये आपका फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा। यहाँ से आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, जहां आपका फाइल सेव है वहां पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर डेस्कटॉप में हो तो यहाँ से डेस्कटॉप खोल सकते हैं, अगर डाउनलोड्स में हो तो डाउनलोड्स खोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग मतलब मूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि वही बताए जो आपको बताए, टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन ऑन द टास्क बार, जो अभी आपको हमने दिखाया, और डबल क्लिक, वही चीज है, जब उसको हम क्लिक करके खोलेंगे उसके बाद किसी भी फोल्डर पे अ न्यू फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल अपियर, एक नया विंडो अपियर होगा जो अभी आपको दिखा, प्रैक्टिकल करके हम दिखाए, और आप यहाँ से अपना फाइल को ढूंढना शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ फाइल एक्सप्लोरर बटन पे डबल क्लिक करेंगे, जब डबल क्लिक करेंगे ये फाइल आपका फाइल एक्सप्लोरर बटन है टास्क बार में, इसको जब डबल क्लिक करेंगे खुलेगा। अब वहां से आपके कंप्यूटर में जितना भी लोकेशन है जहाँ फाइल सेव होता है वो सारा लोकेशन वहां दिखता है, वहां से हम लोकेशन में जिस जहां भी जाना वहां से जाके फाइल को अपना ढूंढ सकते हैं। ये तो बात हुई फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। अब बात करते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर का कौन कौन सा पार्ट है, किसको क्या बोलते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। इसके पहले ना, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, ये यही बटन खुला था ना, देखिए देखिए ये खुला ना, जो वहां खुल रहा है ये खुल रहा है वहां पे, वही यहाँ पे खुला हुआ है, ये किसको कौन सा पार्ट बोलते हैं। अब ये देख लीजिए, ये फाइल एक्सप्लोरर के पार्ट्स हैं, मतलब उस विंडो के, इसमें आपको समझ में आ जाएगा जनरली। ऊपर वाले बार को आप लोगों को सबको पता है कि ऊपर वाले बार को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले आप लोगों को जब हम विंडो पढ़ा रहे थे तो बताए होंगे कि ऊपर वाले बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार होता है किसी का भी वो। अब टाइटल बार में देखिए ये क्या है, टाइटल बार में इसको यहाँ पे ये टूल बार हो गया, ये कॉर्नर टूल बार हो गया, उसके बाद ये जो टैब्स है, डिफरेंट टैब्स, ये टैब्स हो गए, ये यहाँ पर इस पोजीशन पर,
इस पोजीशन पर बैक फॉरवर्ड बटन रहता है जिससे हम बैक और फॉरवर्ड जा सकते हैं। उसके बाद ये लोकेशन, ये एड्रेस बार कहलाता है। यहाँ पे दिखेगा कि कहाँ का फाइल खुला हुआ है, कहाँ कहाँ से कहाँ खुला हुआ है, आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके भी। उसके बाद ये सारा आपका ये फाइल है, ये फोल्डर है, ये सर्च बॉक्स है। अगर आपको अपनी फाइल का नाम पता है और आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नाम डालेंगे उस फाइल का, दो तीन लेटर का भी नाम डालेंगे ना, तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल होगी वो सारा यहाँ से दिख जाएगा। उसके बाद ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया नेविगेशन पैन कहलाता है। ये एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कहलाता है नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन कहलाता है ये एरिया। ये एरिया होता है बैक एंड फॉरवर्ड बटन, ये जो दिख रहा है बैक एंड फॉरवर्ड बटन। फिर ये एरिया हो गया नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन में ही फाइल का लिस्ट होता है। उसके बाद ये टूल बार हो गया, ये टैब्स बटन हो गए, ये एड्रेस बार हो गया, ये सर्च बॉक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक बार दिखाते भी हैं कि सर्च बॉक्स कैसे काम करता है या क्या होता है। ये देखिए, ये खुला था, ये आपका टूल बार हो गया, ये टूल बार हो गया, ये हो गया बैक फॉरवर्ड, ये यहाँ पे टैब्स आएंगे, ये टैब्स हो गए, ये टैब्स बटन हो गया, ये सर्च बॉक्स, ये सॉरी ये हो गया सर्च बॉक्स, ये एरिया हो गया नेविगेशन पैन, और ये सारा है फाइल का लिस्ट। चलिए देखिए, जैसे हम लोग ये एड्रेस बार होता है, ये एरिया जो होता है वो एड्रेस बार होता है। जैसे हम बोले सर्च बॉक्स में कैसे, अगर आपको अपनी फाइल का नाम पता है जिस फाइल को आप सर्च कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, जैसे हमको मान ले सर्च करना है, हमको मालूम है एग्जाम रिलेटेड कोई फाइल है, हमको नाम लग रहा है कि शायद उसका नाम एग्जाम रिलेटेड होगा, तो हम यहाँ पे जैसे एग्जाम डालेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे उसको एग्जाम कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, शायद डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे यहाँ पे सर्च करते हैं एग्जाम करके। देखिए जितना भी एग्जाम जहां भी मिला उसको, उससे रिलेटेड जितनी भी फाइलें थी सारा दिख गया। ऐसे हम फाइल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको थोड़ा भी नाम याद है, हमको लग रहा है कि मेरा फाइल इससे मिलता जुलता था, अगर हमको लगता है थोड़ा भी फाइल हमका नाम हमको याद है, तो यहाँ पे हम सर्च करके बस उसका कुछ लेटर डालेंगे ना, तो उससे रिलेटेड जितना भी फाइल होंगे वो सारे दिखेंगे। किसी के लिए भी कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ से आप अपना लोकेशन देख लीजिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में देखना है तो डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में एक भी स्टूडेंट नाम का नहीं है, डाउनलोड्स में देखते हैं। देखिए ऐसे करके हम फाइल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके कौन से, मतलब आपको अपने फाइल का नाम याद नहीं आ रहा, लगता है कि शायद इस टाइप का हम नाम दिए हो, तो यहाँ आप डालकर सर्च कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी फाइल होगा वो आपको दिख जाएगा। और ये एड्रेस बार है, जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं तो यहाँ दिख रहा है कि डाउनलोड्स में दिख रहा है, इसी तरह अगर हम ये खोले हुए हैं तो यहाँ दिख रहा है दिस पीसी, इसके अंदर कुछ हम और खोलते हैं, ये देखिए दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव, इसके अंदर फिर हम कुछ खोलेंगे, ये देखिए ये एड्रेस दिखाता है कि कहाँ से हम जा रहे हैं। दिस पीसी खोले, उसके बाद न्यू ये ई ड्राइव खोले, उसके अंदर हम लोग ये खोले, अब मान लिया फिर ये खोले, तो मतलब इस तरह से ये दिख रहा है, ये एड्रेस बार दिख रहा है कि कैसे कैसे हम फाइल को खोल रहे हैं, मतलब ये उसका पूरा एड्रेस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से मतलब हम लोग गए, तो वो दिख रहा है कि ये कैसे कैसे मतलब इसका क्या लोकेशन है, ये एड्रेस दिखाता है। यहाँ पे देखिए फाइल का लिस्ट दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ इस चीज को देखिएगा थोड़ा गौर से, यहाँ देखिए ये बटन अभी कैसा हो गया, नीचे की तरफ, ये बटन नीचे की तरफ हो गया ना, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर जितने भी रिलेटेड फाइल थे सब हाइड हो गए। इसको डाउनलोड जैसे खोले इसके अंदर की फाइल को हमको हाइड करना है, ये देखिए यहाँ पे फिर हम डेस्कटॉप खोले, मान लिया डेस्कटॉप खोले, देखिए इसका बटन नीचे की तरफ हो गया,
ये देखिए इसका नीचे, अब इसको फिर हम ऐसे कर देंगे, यहां से हाइड हो जाएगा, यहां से फिर हमको कहीं जाना है तो यहां से हम फिर यहां से जा सकते हैं। इस तरह से हम फाइल को सर्च कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर करके हम देख सकते हैं कि यहां से सारा लोकेशन आपने जहां कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन में फाइल सेव किया है वो यहां से फाइल एक्सप्लोरर से दिखेगा। यहां से इसको हाइड भी कर सकते हैं, ये देखिए फिर चला गया। समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं कि ऐसे ही फिर यस मैम, सही में सबको? यस मैम, हाँ, तो मतलब यहां से हम फाइल को सर्च करके देख सकते हैं, यहां से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं एक एक फाइल को। ये आपको बताया कि ये एड्रेस बार है, यहाँ जितना भी आप खोलते जाएंगे, जैसे हमने न्यू फोल्डर खोला, न्यू फोल्डर के अंदर फिर हमने ये खोला, तो ये बढ़ते जाएगा, ये दिखाएगा कि किस किस लोकेशन से आप जा रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ गए, फिर हम लोग इस पे गए, फिर हम लोग इस पर गए, फिर हम लोग इस पर गए, फिर हम लोग इस पर जाएंगे, तो इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। ये एड्रेस आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइल का लोकेशन क्या है, यहाँ से आपको दिखता जाएगा, ये एड्रेस बार है। ये टैब्स बटन है, जैसे जरूरत होती है उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये सब तो जनरल चीजें हैं कि जिस जैसे जैसे यूज होता है। आइकॉन को स्मॉल लार्ज देख लीजिए, दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा लार्ज स्मॉल टाइटल, मतलब इस तरह से इसको हम लोग वो करके देख सकते हैं। चलिए ये तो बात थी इसके बारे में, ये समझ में आ गया पूरा का पूरा ना, मतलब किसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यस हाँ, तो इसको देखें, वही था, इसलिए हम पहले पिक्चर से दिखाए। अब ये डिफरेंट पार्ट, एड्रेस बार, यूज द एड्रेस बार टू नेविगेट अ डिफरेंट फोल्डर विदाउट क्लोजिंग द करंट फोल्डर। हम इसको यूज करते हैं एड्रेस बार को बिना बंद किए अपने पूरा, मतलब कि बोल रहा है यहाँ पे एड्रेस बार में हम दिखाए कि आपको कैसे एड्रेस दिखता है। तो एड्रेस बार क्या है कि अलग अलग फोल्डर को दिखाने बिना एक, मतलब एक विंडो, जो मतलब कि हम फाइल एक्सप्लोर किए थे, जैसे हम ये फाइल एक्सप्लोर किए थे, एक विंडो खुला, ये एक विंडो हो गया, ऐसे ये विंडो के बारे में बात हो रही है, एक विंडो खुला, तो हम क्या किए कि इसको बंद ना करके हमको जो भी खोलना है हम यहीं से एड्रेस यहाँ से खोलते गए। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि यूज द एड्रेस बार टू नेविगेट योर डिफरेंट फोल्डर विदाउट क्लोजिंग द करंट फोल्डर विंडो। करंट को बिना क्लोज किए हुए हम वहां से करके देख सकते हैं। बैक एंड फॉरवर्ड बटन, बैक एंड फॉरवर्ड बटन हम लोगों ने यूज नहीं किया ना। देखिए अगर हम लोगों ने ऐसा खोला है, ये देखिए बैक बटन, अगर हम जाएंगे तो वन स्टेप बैक जाते जाएंगे। देखिए हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए, फिर यहाँ से बैक जाएंगे तो हम लोग वापिस यहाँ आ गए, फिर हम लोग फॉरवर्ड जहां जहां हम लोग खोले थे वहां फिर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये वापस से लिस्ट दिखाया उस डेस्कटॉप में, जो भी लिस्ट प्रोग्राम, मतलब डेस्कटॉप पे जितना फाइल है वो, क्लियर आया? तो ये है बैक फॉरवर्ड बटन, यूज बैक फॉरवर्ड बटन टू नेविगेट टू अदर फोल्डर यू हैव ऑलरेडी ओपन विदाउट क्लोजिंग द करंट विंडो। हम लोग जिसको एक बार खोल चुके हैं बैक और फॉरवर्ड से, उससे बाहर निकल सकते हैं, वापस उसमें जा सकते हैं, एड्रेस बार में वो दिखेगा कि मतलब हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सर्च बॉक्स, टाइप एनी वर्ड और फेज इन सर्च बॉक्स टू लुक द फाइल और फोल्डर सब फोल्डर स्टोर इन द करंट फोल्डर। वही बताए जो आप लोग को बताया कि सर्च बॉक्स में हम कोई भी वर्ड या कुछ ऐसा अपना, मतलब जो फाइल का नाम दिए या फोल्डर का नाम दिए, कोई भी वर्ड डालेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी फाइल और फोल्डर होंगे वो सारा क्या होगा, सर्च बॉक्स में, मतलब उसके बाद वो सारा दिखेगा वहां पे, जहाँ पे फाइल का लिस्ट दिखता है वहां पे वो सारा दिखेगा। टूल बार, टूल बार अलाउ यू टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ फाइल फोल्डर कॉपी फाइल ए सीडी स्टार्टिंग डिजिटल पिक्चर टू स्लाइड शो। मतलब ये अलग 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 तरह का क्या बोलते हैं, ये टूल बार अलाउ करता है अलग अलग तरह का टास्क करने के लिए, अलग अलग तरह का टास्क करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे फोल्डर सीडी को कॉपी करना हुआ, उसको शो करना हुआ प्रेजेंटेशन को, फिर नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन भी आपको दिखाया किस एरिया को नेविगेशन पैन कराते हैं। तो लाइक द एड्रेस बार द नेविगेशन पैन लेट्स यू चेंज द व्यू ऑफ अदर फोल्डर। जैसे नेविगेशन पैन के बारे में बात किए तो जैसे एड्रेस बार में दिखता है कि हम लोग कैसे कैसे गए, दिस पीसी में गए, डेस्कटॉप में गए, इसमें गए, तो इसमें भी वही है, यहाँ भी दिखता है सारा फाइल का लिस्ट हम लोग किसको किसको खोल रहे हैं, यहाँ भी सारा फाइल का लिस्ट हम लोग को दिख रहा है, हम लोग इसको मतलब यहाँ से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं।
ये है नेविगेशन पैन, उसके बाद फाइल लिस्ट। तो वही चीज है कि नेविगेशन पैन में ही फाइल लिस्ट दिखाई देता है। आप जिस फाइल को ओपन, जिस फोल्डर को ओपन करेंगे उसके अंदर जितने भी फाइल होंगे या उसके अंदर फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होगा, यानी फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर होता है तो उसको बोलते हैं सब फोल्डर। तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होगा वो भी दिखेगा, तो फाइल लिस्ट में वो दिखता है। जिसका ये है, हम आपको दिखा चुके कि किसको क्या बोलते हैं और कैसे फाइल को सर्च करेंगे, एड्रेस बार में क्या दिखता है, नेविगेशन पैन में क्या दिखता है, इस एरिया में क्या दिखता है, वो सब हम आपको दिखा चुके। इतना तक क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए आगे देखते हैं। अब क्रिएट ए न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे? इसमें बहुत सारा तरीका दिया हुआ है कि न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ेंगे बाद में, पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक सही प्रैक्टिकल किया और उसमें क्या क्या लिखा था। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अगर हमको डेस्कटॉप में कोई फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप में कोई फोल्डर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, अपने माउस के बटन से राइट क्लिक, न्यू में जाके फोल्डर। ठीक है, न्यू में जाके फोल्डर करेंगे तो ये एक नया फोल्डर बन जाएगा। इसका यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम दिया हुआ है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद बाहर क्लिक कर दीजिए, ये फोल्डर का नाम पड़ गया। एक तो ये तरीका है राइट क्लिक करके। उसके बाद जैसे हमको कहीं और फोल्डर बनाना है, जैसे मान लिया हमको यहां पर फोल्डर बनाना है इस एरिया में, जैसे यहां पे फोल्डर बनाना है, देखिए यहाँ होम में जाके न्यू फोल्डर करेंगे, इस लोकेशन पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, दो तरीका याद रखिए कहीं से भी, और एक शॉर्टकट भी होता है। एक तो हम लोग राइट क्लिक करके, यहाँ पे भी राइट क्लिक करके बन जाएगा, राइट क्लिक न्यू फोल्डर। एक तो सबसे आसान तरीका यही है, राइट क्लिक न्यू और फोल्डर, जैसे राइट क्लिक करेंगे न्यू खुलेगा, वहां से जाके फोल्डर में जाएंगे तो हम फोल्डर किसी भी लोकेशन पे बना सकते हैं। नहीं तो फिर जो आप खोले हैं लोकेशन वहां होम पे जाइए, वहां से जाके न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए तो वो फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद एक शॉर्टकट की भी होता है, दिख रहा होगा कंट्रोल शिफ्ट एन, एक साथ दबाएंगे आपके कीबोर्ड का बटन, कंट्रोल शिफ्ट एन एक साथ दबाएंगे तब ये क्या होगा कि आपका एक फोल्डर बन जाएगा। तीन तरीका हम लोगों ने सीखा, एक तो राइट क्लिक करके, राइट क्लिक न्यू में जाएंगे तो फोल्डर बन जाएगा, दूसरा आप क्या बोलते हैं कहीं पे भी मतलब जहां मेन्यू बार फाइल मेन्यू में जाके वहां पे जाके न्यू फोल्डर में जाके फोल्डर बनाए तो वहां से फोल्डर बन जाएगा, और तीसरा शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन, ये तीनों दबाएंगे तो आपका एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर फ्रॉम द फाइल मेन्यू सेलेक्ट न्यू Then click the folder. When folder is created, name it what you want. जब folder create हो जाता है, आपने देखा कि जब folder create हो गया तो उस पर हम लोग क्या उसका नाम डाल दिए, फिर बाहर enter press कर दीजिए या बाहर click कर दीजिए तो वो नाम उसका हो जाता है। You can create a new folder by clicking the new folder button which is located on your toolbar. आपके toolbar में भी था new folder button. फिर अगला option है right click on the empty space इन ए फोल्डर और ए डेस्कटॉप। वही चीज जो आपको हम करके दिखाए कि डेस्कटॉप पे भी हम फोल्डर बनाए थे ना, तो क्या किए थे, राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर में गए थे तो आपका वो फोल्डर बन गया था। फिर एक अगला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस एन, आ गई। हाँ हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिएट फोल्डर के बारे में, क्रिएट फोल्डर तो हो चुका,
शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसको भी प्रेस करेंगे तो हमारा फोल्डर बन जाएगा। तो ये सारा हो गया। अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि फोल्डर का, जो भी फोल्डर हम लोगों ने बनाया या फाइल सेव किया उस फाइल का नाम कैसे चेंज करेंगे, फाइल और फोल्डर का नाम कैसे चेंज करेंगे। नाम चेंज करना यानी रीनेम कहना करना कहलाता है। रीनेम कैसे करेंगे उसको, जो भी आपने देखा कि जब हम लोग बनाए थे फाइल फोल्डर तो वो जैसे क्रिएट हुआ वहां पे नाम पूछा, मतलब लोग नाम डाल के बाहर इंटर कर दिया, क्लिक कर दिए तो वो उसका नाम हो गया। लेकिन हमको लगता है कि उसका नाम कुछ और होना चाहिए, तो उस नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, जो भी हम फाइल और फोल्डर का नाम डालते हैं उसमें इस तरह का कैरेक्टर नहीं अलाउ हो सकता। ये जो दिख रहा होगा स्लैश, ये स्लैश, स्टार, क्वेश्चन मार्क, ये सब कैरेक्टर अलाउ नहीं कर सकते। मतलब कि ये सब कैरेक्टर टाइप नहीं कर सकते, ये सब टाइप करेंगे तो फाइल का नाम अलाउ नहीं करेगा। सिर्फ कुछ चीजें अलाउ होती हैं, जैसे अंडरस्कोर अलाउ होगा, कुछ चीजें यहाँ पे अलाउ होगा। अब हम लोग रीनेम, रीनेम मतलब उसका नाम कैसे चेंज करेंगे तो उस पर बात करते हैं। जैसे मान लिया कि हम लोगों ने कोई फोल्डर बना लिया, ठीक है, ये मेरा फोल्डर बन गया, इस फोल्डर का हमको नाम चेंज करना है। एक तरीका तो ये है, इस फोल्डर पे डबल क्लिक, मतलब इस फोल्डर पे ऐसे करके एक बार क्लिक करेंगे ना, ये सेलेक्ट हो गया। जैसे मान लिया बाहर क्लिक किया, इस पे एक बार सिर्फ क्लिक कीजिए हल्का सा, मतलब एक बार क्लिक करने के बाद देखिए, सॉरी डबल क्लिक कीजिएगा तो वो खुल जाएगा इसके नाम पे। यहां पे क्लिक करेंगे और इस नाम को हम डिलीट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन करके इसका नाम कुछ भी डाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। इसके लिए आपका माउस पे कंट्रोल होना ज्यादा जरूरी है। माउस अगर भाग रहा है, मतलब जल्दी जल्दी क्लिक कर रहे हैं या वो कर रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा तरीका है, इसी पर ये अपने माउस का राइट बटन, राइट बटन दबाइए, अपने माउस का राइट बटन दबाइए तो रीनेम, राइट बटन, राइट क्लिक, राइट बटन दबाने के बाद फिर रीनेम। जैसे रीनेम करेंगे, अब यहाँ पे आप जो भी नाम डालना चाहते हैं फाइल का नाम वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद वही बाहर क्लिक कर दीजिए, फाइल आपका ये हम लोग फोल्डर नाम चेंज कर रहे हैं। उसी तरह फाइल के बारे में बात हो रही है, ये मेरा फाइल है मान लिया, ये मेरा फाइल है मानना क्या, इसमें हम इसका हमको नाम चेंज करना है, इसका हमको नाम चेंज करना है, बस वैसे ही राइट क्लिक किया, रीनेम किया, कुछ भी इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये नाम इसका चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग इसका रीनेम इसको कर सकते हैं, रीनेम मतलब उसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये तो बात हुई फाइल का नाम चेंज करने के लिए। तो वही यहाँ पे आपके इसमें बताया भी गया है कि हाँ, वो बात हो रही थी ना कि कोई भी करेक्टर अलाउ नहीं करता, इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। जैसे ये मेरा फाइल का नाम है, इसको हम लोग रीनेम किए, हम क्या बोले यहाँ स्टार डालेंगे, ये देखिए यहाँ लिख रहा है ना, ए फाइल नेम कांट कंटेन एनी ऑफ फॉलोइंग करेक्टर, इसमें से कोई भी करेक्टर आप नहीं डाल सकते। हम स्टार प्रेस कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से तो ये मैसेज आ रहा है, हम कोई भी कैरेक्टर इस तरह से नहीं डाल सकते। हम डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, अंडरस्कोर, ये अलाउ है, ये अलाउ है, ठीक है, लेकिन जितना दिख रहा है वो अलाउ नहीं है। वही यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग ये अलाउ नहीं है। उसके बाद एक तरीका और है, एक तो राइट क्लिक करके रीनेम कर दिया, या एक तरीका और है F2 प्रेस करेंगे, F2 रीनेम करने के लिए, F2 से भी फाइल रीनेम होता है। जैसे आपके कीबोर्ड में F2 बटन होता है ऊपर की तरफ, F1 होता है, F2 होता है, F3 होता है, मतलब इस तरह से F12 बटन तक होते हैं, F12 बटन तक होते हैं। इस पे आप क्लिक करके, अब फोल्डर पर क्लिक करके F2 अपने कीबोर्ड से दबाइएगा तो देखिए हमने F2 दबाया, यहाँ पे चेंज करने के लिए दे दिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है।
यस मैम सही में इतने इतने लोग हैं yes, भाई कुछ लोगों का मिलता है. क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है मैम. हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. अगला टॉपिक ये तो था. हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ये फाइल को रीनेम करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, फाइल बनाया, फोल्डर बनाया. फाइल कैसे बनता है? जब आप कोई भी काम कीजिए उसको सेव कीजिएगा तो वो फाइल बन जाता है. फोल्डर कैसे बनता है हम आपको दिखाए, राइट क्लिक कीजिएगा तो वो फोल्डर बन जाएगा. राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर बन जाएगा. अब वो जो फाइल या फोल्डर बन गया है उसका नाम कैसे चेंज करेंगे? राइट क्लिक करके रीनेम करके उसको हम लोग उसका नाम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इतनी बातें हो गई. अब फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना, एक साथ फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना कैसे सेलेक्ट करेंगे? एक साथ हमको कैसे सेलेक्ट, क्या किस किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? फाइल और फोल्डर है उसको हमको सेलेक्ट करना है, किस किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा. सिर्फ थ्योरिटिकल ये है नहीं. अब ये प्रैक्टिकल हो गया इसलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो बताते हैं कैसे सेलेक्ट होता है. सेलेक्टिंग फाइल और फोल्डर, मल्टीपल फाइल और फोल्डर को एक साथ हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे देखिए इस पे हम क्लिक किए, इसको हम क्लिक किए ना, ये मेरा सेलेक्ट हो गया, ये फाइल सेलेक्ट हो गया मेरा. लेकिन हमको एक साथ और फाइल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जैसे ये आपको माउस का मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा, आप माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए. मतलब जो आपका माउस है उसका जो पहला वाला बटन है लेफ्ट साइड वाला, उसको प्रेस कीजिए. उसको प्रेस रखे रहिएगा और और जितना सेलेक्ट करना है उन सबके ऊपर ऐसे करके चला दीजिए. ऐसे जितना माल ये सब हमको सेलेक्ट करना है इसके ऊपर हम ऐसे करके चला, यानी ड्रैग करना है उसको. आप माउस का बटन प्रेस करके रखिए और ऐसे करके जिस सेलेक्ट करना है, हमको पता है अगर कि लगातार सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे करके इसके ऊपर से चला देंगे तो एक साथ कई फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे. देख लीजिए एक साथ कितने सारे फाइल सेलेक्ट हो गए, एक साथ इसको हम मूव करा रहे हैं, दिख रहा है ना, एक साथ कई फाइल सेलेक्ट हो गए. एक तरीका तो ये है. तो ये तब तरीका है कि जब हमको एक साथ लगातार फाइल करना है, लेकिन आपको ये लगातार फाइल नहीं करना, छोड़ छोड़ के करना है. छोड़ छोड़ के करना है तो इसके लिए मतलब एक करना है दूसरा नहीं करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे आपको ये फाइल सेलेक्ट करना है, आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद आपको अब ये नहीं करना है, ये फाइल सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइएगा. कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के जिस जिस पे क्लिक कीजिएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा. जैसे इस पे क्लिक किया ये सेलेक्ट हो गया, फिर उसको छोड़ के हमने इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, मेरा कंट्रोल बटन दबा हुआ है कीबोर्ड से, इसको क्लिक किया, देखिए ये सेलेक्ट हो गया. ये तब था कि जब आपको लगातार फाइल सेलेक्ट ना करना हो, वन बाय वन करना हो. तो देखिए जिसको जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो इधर मूव किए तो ये आ गया, ठीक है. शायद इतना कुछ समझ में आ रहा होगा. यस मैम. हाँ इतने कुछ दिख रहा होगा कैसे सेलेक्ट होता है फाइल और फोल्डर. तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है, हम प्रैक्टिकल करके दिखा, यहाँ पे वही चीज बताया हुआ है कि देख लीजिए. फिर जैसे कि एक तरीका यहाँ पे और दिख रहा है, चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं. ऐसा जैसे एक तो हम बताए कि ड्रैग करके यहाँ क्लिक करके, हम अभी बताया ना यहाँ क्लिक की, मतलब कि आपको माउस का पहला वाला बटन राइट लेफ्ट बटन बोलते हैं उसको, क्लिक करते हुए माउस को दबा, मतलब वहां दबाए हुए रखना है और जिसके जिसके ऊपर चला देंगे वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगा. एक तरीका ये बताया हम आपको. दूसरा तरीका बताया कि आप एक पर क्लिक कीजिए, उसके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखिए और अलग अलग टाइप जगह का फाइल आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा तरीका ये था. एक तरीका और वहां बताया गया है कि एक तो हमने ड्रैग करके सीखा, दूसरा यह है कि अगर आपको लगातार ही फाइल सेलेक्ट करना है तो जैसे एक पर क्लिक कर दिए, एक पर क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाइएगा. शिफ्ट बटन हम दबाए हैं और उसके बाद शिफ्ट बटन के बाद अपने कीबोर्ड का चार बटन होता है आपके कीबोर्ड में, आप देखे होंगे एक एरो चार होते हैं, चार एरो होते हैं ऊपर, एक दाएं एक बाएं एक नीचे की तरफ.
तो आपको जिस की तरफ बढ़ना है, अगर आपको नीचे की तरफ फाइल सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबाइए, नीचे की तरफ फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको राइट की साइड बढ़ना है तो राइट बटन दबाइए, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हटाना है तो ये सेलेक्ट हो गया, इसको हटाना है, ये लेफ्ट बटन दबाइए, मतलब लेफ्ट एरो की, ये सारा डिसलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट होने के बाद अगर हम हटा रहे हैं तो ये डिसलेक्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? इस तरह से हम तो माउस को ड्रैग करके भी कर सकते थे, जो माउस को हम प्रेस करके ऐसे करके कर रहे हैं ये ड्रैग करना हुआ, और एक तरीका कंट्रोल दबा के तब करते हैं जब हमको लगातार फाइल सेव सेलेक्ट ना करना हो। फिर एक तरीका हुआ शिफ्ट दबा के पहला वाला पहले क्लिक कर लीजिए, शिफ्ट दबा के जिस तरफ से आपको सेलेक्ट करना है, इधर बढ़ना है, तो माउस का राइट एरो, सॉरी कीबोर्ड का राइट एरो की प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ आना है तो डाउन एरो की प्रेस करेंगे। ये तरीका है, ठीक है? इतना क्लियर कैसे सेलेक्ट होगा? यहाँ पे वही चीजें थ्योरेटिकल भाषा में लिखी हुई हैं कि सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर हेल्प यू टू कॉपी मूव डिलीट एंड कंप्रेस दिस फाइल। हम लोग फोल्डर या फाइल सेलेक्ट क्यों करते हैं? सेलेक्ट करके हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, कहीं कॉपी करना हो एक लोकेशन से दूसरे जगह पे, या यहाँ का लोकेशन से उठा के हमको किसी और लोकेशन पे डालना हो, या एक साथ कई फाइल डिलीट करना हो, तब हम लोग फाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो तीन तरीका आपको दिखाया, वो तीन तरीका यहाँ पे वही बताया गया, टू सेलेक्ट नॉन कंसेक्यूटिव फाइल्स एंड फोल्डर। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नहीं, यानी हमको लगातार सेव नहीं करना है, लगातार अगर हमको लगातार फाइल को सेलेक्ट नहीं करना है तो उसके लिए वही करेंगे, मल्टीपल फाइल अगर सेलेक्ट नहीं करना है तो आपको बताया ही क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे। कंट्रोल बटन दबाने के बाद फिर वही आपको जो दिखाया कि एक फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ वही लिखा हुआ है कि प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल बटन देन क्लिक ईच आइटम। जिसको जिसको कंट्रोल बटन को प्रेस करके ही रखे रहेंगे और जिसको जिसको क्लिक करना है उस पे क्लिक करते जाएंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है टू सेलेक्ट कंसेक्यूटिव फाइल, लगातार फाइल को सेव करना है। तो हमने आपको दिखाया, इसमें बताया गया है वो तरीका जो बताया कि शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और क्लिक द फर्स्ट टाइम आइटम, एक आइटम को पहले आप क्लिक कर लीजिए, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके मतलब प्रेस करके रखे रहना है, देन क्लिक लास्ट आइटम, जहां तक आपको जाना है आप वहां पे एरो की से मूव कर सकते हैं। और एक तरीका हम आपको और बताया है कि माउस को ड्रैग करके इस तरह से आप फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे सेलेक्ट होगा? सेलेक्ट करने का पर्पस यही है कि हमको फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जाना हो, तब हम लोग उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं। ये तो था सिलेक्शन वाली बातें। अब हम आते हैं, देखिए जैसे ये जो हमने बताया, एक तो बताया ड्रैग करके, तो वो ड्रैग करके तो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक तरीका और है जो यहाँ पे बता रहा है, हम एक पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ एक पे क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंट्रोल ए प्रेस किया, जब हमने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया तो सारा फाइल एक साथ सेलेक्ट हो गया। ये एक साथ सारा फाइल सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए, नहीं सेलेक्ट करना है बाहर क्लिक कर दीजिए, सब हट जाएगा। तो यहाँ वही बताया, सेलेक्ट करने का अलग अलग तरीका, आपको जो सुविधा लगे जैसा चाहते हैं वैसा आप सेलेक्ट कर लीजिए। वही बताया टू सेलेक्ट ऑल फाइल एंड फोल्डर इन ए विंडो फ्रॉम एडिट मेन्यू। हम लोग एडिट मेन्यू तो नहीं गए, सीधा शॉर्टकट की दबाए कंट्रोल प्लस ए, तो क्या हुआ सेलेक्ट हो गया। डी सेलेक्ट करने के हमने बाहर क्लिक किया ब्लैंक एरिया पे, वो सारा हट गया। यहाँ वही अलग अलग तरीका बताया गया है सेलेक्ट करने का। बस हम लोग बहुत कुछ तब से लगातार वो कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज, चलिए बताइए हम लोगों ने क्या क्या सीखा। अभी तो और कुछ बहुत कुछ है इसमें, जितना सीखा वही बता दीजिए आप लोग पहले। हमने जो जो सीखा है वो बताइए। कोई भी एक जन वन बाय वन एक एक टॉपिक आप लोग बता देंगे तो शायद हो जाएगा। फोल्डर बनाने के लिए, फोल्डर रीनेम करने के लिए,
मतलब फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, डिसलेक्ट हाँ करने के यस, लिए, और क्या करने के लिए रिनेम, लास्ट में क्या, रिनेम करने के, हाँ भाई रिनेम करने के लिए, हाँ सिलेक्ट सेलेक्ट फाइल करने को के लिए, डिसलेक्ट रिनेम करना। करने, हाँ डिलीट जी सेलेक्ट करने के लिए, यस। इतना कुछ क्लियर हो गया ना, क्योंकि प्रैक्टिकली ये यस चीजें मैम। पॉसिबल हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आपको दिखा के कुछ ना कुछ करवाया जा सके। तो इतना क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। कोशिश की गई है कि आपको समझा सके, और अगर आप लोग के पास कंप्यूटर है तो आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। देखिए ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, ये आप लोगों को शायद आती भी होंगी, लेकिन वही चीज है कि कितना आप लोग यूज करते हैं। जैसे फाइल हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो जैसे क्या होता है पता है, जब हम लोग काम करते हैं ना कंप्यूटर पे, जैसे हमको पता है कि बहुत सारा फाइल सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंट्रोल ए कर लिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मालूम है कि दो चार ही फाइल को ना हटाना है, तो बस कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके जिसको जिसको हटाना है बस उस पर क्लिक करते हैं, वो हटता जाता है। अब क्या हुआ कि मेरा टाइम बचा, मेरा समय बच गया, फाइल का फाइल सेलेक्ट हो गया, और क्या बोलते हैं, जिसको हटाना था हम लोग तुरंत हटा दिए। अब हम अगर हम वन बाय वन सेलेक्ट करते उसमें ज्यादा टाइम लगता, तो हमने क्या किया कि एक साथ सबको सेलेक्ट करके जिसको नहीं यूज है उसको हटा दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हम जो सिखा रहे हैं या आप लोग जो जानते हैं उसको आप लोग यूज कैसे करते हैं, उसको आप लोग यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताए ना कि शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, एक फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के आप एरो की से जाएंगे तो वो फाइल सेलेक्ट होता जाएगा। तो उतना शिफ्ट दबाएंगे, पहले हम क्लिक करेंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे, तो टाइम टेकन भी, तो हमको काम जल्दी करना है ना, तो माउस से ड्रैग करके क्यों ना कर लें, बात तो वही पड़ता है। तो वही चीज, जो चीज आप लोग को सिखाया गया उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं ये ज्यादा आप पे इफेक्टिव होगा। मतलब कि काम को फास्ट करने के लिए, काम मेरा फास्ट हो, हम जो चीज जानते हैं उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं ये चीज हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। जानने का ऑप्शन तो सब लोग लगभग सब कुछ जानता है, मतलब कि हमको भी आता होगा आपको भी आता है, लेकिन कितना इफेक्टिव मेरे लिए कौन सा शॉर्टकट मेथड होगा ये ज्यादा है। आखिर हम कीबोर्ड के भी थ्रू किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, हम किसी फाइल को बिना माउस से क्लिक किए कीबोर्ड के भी थ्रू ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम टेकन है, तो इसलिए फिर माउस यूज करते हैं कि फटाफट क्लिक किया और वो फाइल खुल गया। तो ये आप देखें, आप लोग देखते भी होंगे, आप लोग में से शायद कुछ लोग होंगे भी जो लोग काफी इफिशियंस होंगे कंप्यूटर को लेके, मतलब काफी फास्ट काम कर पाते होंगे, और वही सेम ऑप्शन और लोग दूसरे को भी आता होगा, लेकिन वो इफिशियंसी उनकी कम है, मतलब वो उनका स्पीड कम है काम करने का। तो वही चीज है कि सिर्फ ऑप्शन जानने से नहीं होता है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो मेरे लिए ज्यादा डिपेंड करता है, मेरे लिए ज्यादा वो है कि हम उसको कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज मायने रखता है कि हम कितना, मतलब क्या कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे हम आपको अभी सिंपल सा एग्जांपल दिए, एक फाइल हमको सेलेक्ट करना था, हमको सारा फाइल सेलेक्ट करना था कुछ को छोड़ के, अब हम इस पे क्लिक करते फिर कंट्रोल दबा के इस पर करते इस पर करते, तो मेरा तो बहुत टाइम लगता भाई, इसलिए हमने क्या किया कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जिसको हटाना था कंट्रोल दबा के क्लिक करते गए वो हट गया। तो मतलब ये अब आपकी बुद्धि कैसे अप्लाई हो रही है ये देखना है, कैसे काम हो रहा है ये देखना है, ठीक है। तो ये चीजें मायने रखती हैं कि कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। आज के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे क्लास को, फिर नेक्स्ट क्लास शायद नेक्स्ट वीक में होगा, चलिए। तो उसको फिर हम लोग आगे देखेंगे कि फाइल को ओपन कैसे करना है, किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, फाइल को सर्च बॉक्स में ढूंढना कैसे, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं फाइंडिंग योर फाइल इन ए सर्च बॉक्स, तो ये हम आपको बताए अभी, आज बताए ना कि कैसे सर्च करेंगे फाइल एक्सप्लोरर में जाके, दिखाए है ना। यस मैम। हाँ उसके बाद ये मूविंग फाइल को जब हम लोग बताए ना कि हम लोग फाइल को सेलेक्ट क्यों करते हैं, तो एक लोकेशन से दूसरे जगह मूव कराने के लिए, तो ये मूविंग योर फाइल कैसे मूव कराएंगे, तो ये सब चीजें बाकी है। खैर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में छोड़ते हैं, आज के लिए इतना एंड करते हैं, चलिए ओके थैंक यू।